आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने का बयान, संसद चाहे तो पीओके पर भी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान को विनाशकारी जंग की आशंका, यूएन में निर्णायक कदम उठाने की गुहार लगाई। कन्नौज में बस ट्रक की भीषण टक्कर, 20 से ज्यादा बस यात्री जिंदा जले। बीजेपी नेता शिवराज सिंह का आरोप, शराब माफिया के हक में काम कर रही है सरकार। और छत्तीसगढ़ में सिंहदेव का नया प्लान, अब चलेगा मलेरिया मुक्ति अभियान। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा कि अगर संसद चाहे तो पीओके पर भी कार्रवाई करेंगे। सेना प्रमुख ने कहा, यह एक संसदीय संकल्प है कि संपूर्ण कश्मीर भारत का हिस्सा है। अगर संसद ने कहा कि वो क्षेत्र भी हमारा होना चाहिए और हमें उस आशय के आदेश दे, तो हम उसके लिए उचित कार्रवाई करेंगे। देश के नए आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे ने शनिवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वास भरा पैगाम देते हुए कहा कि सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, संसद चाहे तो पीओके पर भी कार्रवाई करेंगे। सेना प्रमुख ने कहा, यह एक संसदीय संकल्प है कि संपूर्ण कश्मीर भारत का हिस्सा है। The formation of the CDS and the creation of a Department of Military Affairs is a very big step towards integration. And we on our part will make sure that this is a success. Integration will also be within the army and the integrated battle groups are just one example of that. आर्मी चीफ ने कहा कि सीडीएस का बनना महत्वपूर्ण कदम है। सीडीएस के गठन से सेना को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल जरूरी है। हम भविष्य की चुनौतियों और खतरों को ध्यान में रखकर प्लानिंग करेंगे और प्राथमिकता के हिसाब से बजट का इस्तेमाल किया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि हम क्वांटिटी पर ध्यान न देकर क्वालिटी पर फोकस करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के साथ विनाशकारी जंग की आशंका जताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरिस से इसे होने से रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट में कहा, पाकिस्तान सुरक्षा परिषद और महासचिव से अनुरोध कर रहा है कि वे पाकिस्तान और भारत के बीच किसी विनाशकारी जंग को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाएं। साथ ही जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन और कश्मीरी लोगों को उनका आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाने की पहल करें। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को सम्मान देने पर हुई चर्चा में अकरम ने कश्मीर के मुद्दों पर जोर दिया और भारत के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जो सच्चाई से कोसों दूर है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कहा कि भारत से जो संकेत मिल रहे हैं वो उसके पाकिस्तान के प्रति आक्रामक इरादों को बयान कर रहे हैं। अकरम ने इस बात के पक्ष में भारत द्वारा जारी उस नक्शे का उल्लेख किया जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री ने शेखी बघारी है कि वे एक दिन इन इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। कन्नौज में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां ट्रक से भिड़ंत के बाद एसी बस में आग लग गई। बस में कुल 50 यात्री सवार थे जिनमें 20 से ज्यादा लोगों के जिंदा जल जाने की खबर है। प्रशासन ने करीब 20 यात्रियों के मरने की पुष्टि की है। ये संख्या 30 तक हो सकती है। 20 यात्रियों को बचा लिया गया है। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया है कि हादसा कन्नौज के जीटी रोड हाईवे पर हुआ। डबल डेकर बस और ट्रक पे जबरदस्त टक्कर हो गई जिसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री बस में सो रहे थे। बस कन्नौज से गुरसहायगंज से जयपुर जा रही थी। 26 यात्री गुरसहायगंज और 17 यात्री छिबरामऊ से
सवार हुए थे। मृतकों में कुछ यात्रियों के शव पूरी तरह जल चुके हैं, उनकी पहचान करना भी मुश्किल है। पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख प्रकट किया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि बस में करीब 45 यात्री सवार थे, 25 को बचा लिया गया है। इनमें से 12 को मेडिकल कॉलेज तिरवा में भर्ती कराया गया है। 2 यात्री पूरी तरह स्वस्थ थे, जिन्हें घर भेज दिया गया है। 18 से 20 यात्री लापता हैं। आईजी मोहित अग्रवाल के मुताबिक शव बहुत बुरी तरह से जल चुके हैं। डीएनए टेस्ट से उनकी पहचान की जाएगी और इसके बाद ही मृतकों की सही आंकड़ा पता चल पाएगा। शुरुआती जांच में बस में 8 से 10 शव नजर आ रहे हैं, लेकिन वे भी बुरी तरह जल चुके हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बस खचाखच थी, हो सकता है उसमें 60 यात्री सवार हों। टक्कर के बाद आग लगी और अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने बस से निकलने की कोशिश की, लेकिन 10-12 लोग ही उतरने में कामयाब हो सके और बाकी लोग फंस गए और जिंदा जल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुए भीषण सड़क हादसे के बारे में जानकर अत्यंत दुख पहुंचा है। इस दुर्घटना में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है और कोहरे को हादसे की वजह बताया है। सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के मुद्दे पर बात की और कहा कि हम इसके विरोध में हैं। बंगाल CAA और NRC को स्वीकार नहीं कर रहा है। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई भी देश से न निकाला जाए। सरकार को CAA और NRC पर विचार करना चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दिल्ली आकर बात करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की 2 दिन की यात्रा पर शनिवार को कोलकाता पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम ममता ने पीएम मोदी से CAA और NRC के मुद्दों पर बात की और कहा कि हम इसके विरोध में हैं। बंगाल CAA और NRC को स्वीकार नहीं कर रहा है। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई भी देश से ना निकाला जाए। सरकार को CAA और NRC पर विचार करना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को जवाब देते हुए कहा कि वो यहां किसी अन्य कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, इस मुद्दे पर दिल्ली में बात होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सीएम ममता को दिल्ली आने के लिए भी कहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और कोलकाता के मेयर और बंगाल की शहरी विकास और नगरपालिका मामलों में मंत्री फिरहाद खान ने पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन में पीएम मोदी से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री BJP के उपाध्यक्ष शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से कहा कि मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश न बनाएं। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार शराब माफिया के साथ उसके हित में काम कर रही है। शिवराज ने कमलनाथ से ये तक कहा, ऐसे ही शराब माफिया खत्म करना है तो शराब की होम डिलीवरी करवा दीजिए। नई शराब नीति पर मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आमने सामने आ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार की शराब नीति को लेकर फिर निशाना साधा और कहा, शराब माफिया पर रोक लगाने के लिए सीएम कमलनाथ जो तर्क दे रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। अगर ऐसे ही शराब माफिया को खत्म करना है तो उसकी होम डिलीवरी करवा दीजिए। शिवराज सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में मध्य प्रदेश को नशे में न डुबोएं। उन्होंने कहा कि वे किसी तरह का पत्र युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने सीएम कमलनाथ को पत्र का जवाब देने के लिए धन्यवाद भी दिया, लेकिन कहा कि उनका जवाब दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर नई शराब नीति का विरोध किया था। मैं आज फिर कहता हूं कि यह फैसला प्रदेश का कवाड़ा कर देगा। मेरे गले नहीं उतरा। उन्होंने कहा सरकार कोई नई दुकान थोड़ी खोल रही है, और वो दुकान तो मूल दुकान के साथ लाइसेंस ही खोलेगा। नीति के अनुसार मुख्यमंत्री जी का पत्र में कहा है, नीति के अनुसार कोई नई दुकान नहीं खुल रही है, वरन मूल दुकान का लाइसेंस यदि चाहे तो कुछ शर्तों के अधीन मूल दुकान के साथ उसकी उप दुकान खोल सकता है। तो मूल दुकान सरकार नहीं खोल रही है, वो तो लाइसेंस ही खोल रहा है उप दुकान। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए, लाइसेंसी जो उप दुकान खोल रहा है उसमें क्या गन्ने का जूस बिकेगा, क्या गाय का दूध बिकेगा, मक्खन पनीर बिकेगा,
उनमें बिकेगा क्या? क्या उनमें शराब नहीं बेची जाएगी? और ये कहना है कि नहीं नहीं नई दुकान हम नहीं खोल रहे हैं, लाइसेंस उप दुकान खोल रहा है, कैसा तर्क है? कौन से सलाहकार आपको सलाह दे रहे हैं? हर गांव में खोल दो शराब की दुकान, हर गांव में कहा होम डिलीवरी करवा दो घर पे ही, सीधे पहुंच जाए वहीं पियो। अगर आपका तरीका ये माफियाओं को खत्म करने का कि संगठित अपराध माफिया इससे खत्म होंगे, तो फिर काहे को इतना बड़ा आबकारी विभाग का अमला बनाया? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अवैध रूप से शराब अगर कहीं बिकती है तो वो कार्रवाई करें, रोकें? ये तर्क माननीय मुख्यमंत्री जी गले में उतरने वाला नहीं। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का मेरे पत्र के जवाब में जो जवाब आया है मेरे साथ साथ प्रदेश को आहत करने वाला है। किसी जिम्मेदार सरकार से ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये की उम्मीद ना थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ऐसे कुतर्क दे रहे हैं जो गले से नहीं उतरता है। शिवराज ने कहा कि उनकी रुचि किसी जीत हार में नहीं है। महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष में हम मध्य प्रदेश को ऐसा ना बनाए कि मध्य प्रदेश नशे में डूब जाए। उनका कहना है कि पत्र द्वारा सीएम द्वारा दिए गए तर्क से संतुष्ट नहीं हूं, जवाब गले में उतरने वाला नहीं है। आपका तरीका अगर यह है माफियाओं को खत्म करने का है तो क्यों इतना बड़ा आबकारी अमला बनाया? शिवराज ने कहा कि मेरे सीएम कार्यकाल में शराब की दुकानों की बात जो यह कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, 2011 से 2018 तक एक नई दुकान नहीं खुली शराब की, उल्टा हमने तो दुकानें बंद की हैं। उन्होंने कहा कि सीएम कमलनाथ ने एक टीम बना रखी है जो मेरे कुछ कहते ही कुतर्क शुरू कर देती है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई पत्र युद्ध नहीं चला रहा। मैं इसलिए भी ये बहस नहीं छेड़ रहा कि कौन जीता कोई कौन हारा, मुझे इसमें रुचि नहीं। मेरी रुचि केवल इस बात में है कि महात्मा गांधी जी की 150वां जयंती का वर्ष है, इस वर्ष में मध्य प्रदेश को ऐसा हम ना बनाए कि वो शराब के नशे में डूब। बीजेपी नेता पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा मुसलमानों की विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा की विरोधी है जो भारत के टुकड़े करने की बात कहती है, जो भारत माता को गाली देती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और दतिया विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा क्षेत्र के बसई गाँव पहुंचे, जहाँ ग्रामीणों ने उनका फूल माला से पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नागरिकता संशोधन कानून कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा की विरोधी है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कहती है। जो जो भारत माता को गाली देते हैं और भाजपा को मुसलमान विरोधी बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उस कलाम के समर्थक हैं जिसने अपना योगदान राष्ट्र के हित में दिया है। हम उन मुसलमानों के विरोधी हैं जो कश्मीर में रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हम उस हिंदू के भी विरोधी हैं जो देश को तोड़ने की बात करता है। एक विदेशी महिला आकर देश को लीड करे, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। एक विदेशी महिला आके लीड कर रही है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। हमारा इस बात पे विरोध है उनसे। वो लोग क्यों हिंदू का विरोध करते हैं और हमको कहते हैं कि हम मुसलमान विरोधी हैं? ऐसा नहीं है, हम विचार के विरोधी हैं। वो विचार अगर कन्हैया के अंदर है तो हम कन्हैया का विरोध करते हैं। वो कन्हैया जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हम इस विचार के विरोधी हैं, हम कन्हैया के विरोधी हैं, हम कसाव के भी विरोधी हैं, लेकिन हम कलाम के समर्थक हैं जो राष्ट्र बना रहे हैं। हम मुसलमान के विरोधी नहीं, हम उस विचार के विरोधी हैं जो भारत के विरोध की बात करता है। हमने कभी मुसलमान का विरोध नहीं किया। भारत के टुकड़े की बात हिंदू करेगा तो हम उसके भी विरोधी। हम उन सबके विरोधी हैं जो कश्मीर के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं।
हमारी बहन बेटियों की जांघों पर गर्म सलाखों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गोंद देते, हम उस विचार के विरोधी हैं और ये हम बर्दाश्त करेंगे भी नहीं। खसम को खाओ गीत भैयों के गाओ। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए विशेष अभियान में जुट गए हैं। उन्होंने अपने महकमे के अधिकारियों कर्मचारियों को बच्चों के मसले पर अलर्ट रहने को कहा है। सिंहदेव ने बच्चों की मृत्यु के मामले को गंभीरता से लिया है और कहा कि ऐसा न हो इसके लिए सारे प्रयास किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य चिकित्सा उपकरणों, सिटी स्कैन मशीन, MRI मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश में मलेरिया मुक्ति अभियान में जुट गए हैं। जगदलपुर प्रवास के दौरान सभी कलेक्टर एवं चिकित्सा अधिकारियों की बैठक में सिंहदेव ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिशु केयर एवं चिकित्सा को लेकर समूचा अमला 24 घंटे अलर्ट रहे। शिशु ये SNCO न्योनेटल उपचार के लिए जिन बच्चों को जरूरत होती है, तो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत और NHM के माध्यम से 100% फंडिंग है और 100% स्टाफ है। इस पे स्टाफ की कमी नहीं है, अस्पतालों में और जगह स्टाफ की कमी आ सकती है। 24 ऐसी इकाइयाँ 23 जिलों में हम लोगों ने स्थापित कर लिए हैं, 2 और जिले हाल में लागू हो जाएंगे। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौतें मलेरिया से होती हैं। अब सरकार ने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का विशेष अभियान चलाया है। अब मलेरिया और बच्चों के मसले पर गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला चिकित्सालय से लेकर मेडिकल कॉलेज तक अलर्ट पर रहेंगे। गांव-गांव में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित रूप से उपस्थित रहें। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार का अभियान शुद्ध के लिए युद्ध जनता के बीच खासा चर्चित हो गया है। मिलावट खोरों के खिलाफ जनता खुलकर सामने आने लगी है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बैरागढ़ में चलित लैब पहुंची। बैरागढ़ के अलग अलग इलाकों में पहुंची चलित लैब में रहवासियों ने खाद्य पदार्थों के सैंपल देकर खाद्य सामग्री की जांच करवाई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बैरागढ़ में चलित लैब अलग अलग इलाकों में पहुंची, जहां पर रहवासियों ने खाद्य पदार्थों के सैंपल देकर खाद्य सामग्री की मुफ्त जांच करवाई और जाना कि रोजाना की खाद्य वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं शुद्ध हैं और कौन सी खाद्य वस्तु मिलावटी हैं। जांच अधिकारी धर्मेंद्र नुनाइया ने बताया कि आसान आसान विधियों से खाद्य सामग्री की जांच कर उसकी शुद्धता बताई जा रही है। साथ ही आसान विधियां भी बताई जा रही हैं जिससे आसानी से जांच की जा सकती है। कॉलोनी वासी चलित वाहन में पहुंचकर निशुल्क जांच करवा रहे हैं। लोगों को जो निर्देश मिले हैं, निर्देश ये मिले हैं कि जो आम उपभोक्ता है, जो जनता है या कोई जो दुकानदार है जिसे अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराना है, जो रैपिड टेस्ट यहाँ पर है, डल्ट बुक एक हमने बताई थी वो है, तो उसके आधार पर जो आसानी परीक्षण है उसकी हम विधियाँ बता रहे हैं और टेस्ट करके बता रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। हमारे पास दूध लेके आए थे, उसको हमने देखा, उसके 2 टेस्ट हम मौके पर कर पाए हैं। एक पानी का हमने देखा तो पानी जो टेल बनाता आ रहा था, पानी तो उसमें नहीं मिला हुआ है। दूसरा डिटर्जेंट का भी मैंने बताया कि उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख के उसको अच्छे से हिलाएंगे, अगर डेंस फॉर्म आ रहा है, गहरा झाग आ रहा है जैसा कि साबुन में आता है और काफ़ी देर तक रहता है, तो उसमें डिटर्जेंट की संभावना हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया तो वो शुद्ध दूध था। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर BJP ने जागरूकता और प्रचार प्रसार को लेकर सिंगरौली में जन संगोष्ठी सभा का आयोजन किया। BJP ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस दौरान CAA के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। सिंगरौली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर BJP ने जागरूकता तथा प्रचार प्रसार अभियान चलाया। इस दौरान भाजपा विधायक राम लल्लू वैश्य और अध्यक्ष देवेश पांडे मौजूद रहे। जन संगोष्ठी में माध्यम से BJP ने शहर के कई वार्डों में लोगों को CAA के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में जन समर्थन हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान
जयंत मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एनआरसी को लेकर देश को गुमराह किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम लोगों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है, न कि छीनने के लिए। अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि भारत के लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी। यह अधिनियम पड़ोसी राष्ट्रों से आए नागरिकों के लिए है। इस अधिनियम में उन नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से विस्थापित होकर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। देश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि उन्होंने देश को गुमराह करने का काम किया है। और हमारे यहां पर भाईचारे से सभी लोग साथ में रहते हैं, मनमोहन सिंह आगे पक्ष में, उनको जो है तो बरगलाने का, हमारे भाइयों को बरगलाने का और ये सब खड़े षड्यंत्र रच करके इन्होंने देश को एक आग में झकझोरने का काम किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ जो इनका कृत्य है। यहाँ पर प्रबुद्ध जन संगोष्ठी करके और हस्ताक्षर अभियान बूथ स्तर पर चला करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि यह बिल आपके हित के लिए है, कहीं से यह बिल किसी के नुकसान के लिए नहीं है, भारत के नागरिकों को। एमपी के कृषि मंत्री सचिन यादव चाहते हैं कि किसान पारंपरिक खेती के अलावा भी पैदावार करे। सचिन यादव की इच्छा है कि किसान बागवानी करे, मसालों का उत्पादन करे, इसके लिए वह व्यापक योजना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग की मसाला खेती और बागवानी को लेकर कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा, हमारी सरकार ने किसानों के बच्चों को खेती से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी योजना शुरू की है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है। यादव का कहना है कि किसान पारंपरिक खेती के अलावा भी पैदावार करेगा तो उसे लाभ भी ज्यादा होगा। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि किस्म किस्म की खेती के जरिए किसान समृद्ध हो। किसान साथी कैसे खुशहाल बने, कैसे वो आर्थिक रूप से मजबूत हों, और इसके लिए जरूरी है कि हम हमारे किसान साथियों को जो पारंपरिक खेती है उससे खेती से उनको आगे बढ़ाते हुए, उनको प्रोत्साहित करते हुए, उनको उद्यानिकी फसलों की तरफ उनको ले जा सकें। और उसी दिशा में बहुत सारे पहल और बहुत सारे कदम हमारी सरकार उठा रही है, और ना सिर्फ उद्यानिकी खेती की तरफ हो जाए बल्कि साथ ही साथ हमारी सरकार की ये प्रयास भी है कि हमारा जो किसान का बेटा है जो कि आज पढ़ा लिखा है, जानकार है, आज इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, ऐसे किसान के बेटों को दोबारा खेती की तरफ उनको प्रोत्साहित करें, इसके लिए भी बहुत सारे कदम हमारी सरकार उठा रही है। छतरपुर में स्कूली छात्रों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार में सवार एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। छतरपुर के बिजावर थाने के टिकरी गांव में स्कूली छात्रों से भरी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल छात्रों को बिजावर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बाद में दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। घटना उस समय हुई जब रानीताल हाई स्कूल के 10 छात्र दुबेला पिकनिक में गए थे। पिकनिक से लौटते समय यह हादसा हुआ। ये एक्सीडेंट केस आए हैं, उसमें से एक प्रदीप परिवार लगभग उम्र 15 वर्ष मृत अवस्था में है और एक लड़की रोशनी राजपूत लोधी उम्र 13 वर्ष, इसके सर में चोटें आए हैं और हेड इंजरी है इसको, और एक शैलेंद्र लोधी उम्र लगभग 13 वर्ष है, इसको भी सर में चोटें आए हैं। तो इनकी प्री MLC और तहरीर थाने भिजवा दी गई है। खबर सिंगरौली से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को NCL जयंत परियोजना के आवासीय परिसर में पलीता लगाया जा रहा है। इस इलाके में रहने वाले लोग गंदगी से परेशान हैं और कई शिकायतों के बाद भी गंदगी से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। स्वच्छता की तरफ ना तो NCL अधिकारियों का कोई ध्यान है और ना ही सफाई ठेकेदार का, जबकि सफाई के नाम पर NCL प्रबंधन हर महीने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहा है। बावजूद इसके कॉलोनियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हवा चलते ही दुर्गंध से रहवासियों का जीना दूभर हो जाता है। गंदगी की वजह से कॉलोनी सुअरों का अड्डा बन गई है। यहाँ गंदगी बहुत है, सफाई नहीं होता है, कोलासानी में आओ गंदगी रहता है ज्यादा। इधर 665 में बहुत गंदगी है, यह मच्छर इतनी सब आता है रहता है, गंदगी सुअर बहुत ही है, सुअर के चलते आओ गंदगी है। NCL अधिकारियों का स्वच्छता अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। प्रबंधन की लापरवाही से कॉलोनी सहित रोड के किनारे प्रतिदिन गंदगी के ढेर बढ़ते जा रहे हैं
और एनसीएल कर्मचारी और सफाई ठेकेदार खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। एनसीएल के जयंत परियोजना के कॉलोनी के अलावा सड़क किनारे गंदगी के ढेर नजर आते हैं, जिस कारण आसपास के लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के ढेरों को उठाने और नियमित सफाई करने के लिए कई बार सफाई कर्मचारियों को कहा जा चुका है, इसके बावजूद कर्मचारी और अधिकारी अपनी धुन में हैं। इन अधिकारियों का लोगों की परेशानी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिस कारण लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। उधर 737 है क्वार्टर नंबर, उधर पीछे साइड हम लोग अभी करवाए हैं, पैसा देके साफ 3 साल का उसी तरह कचरा पड़ा हुआ था, तो अभी 10 दिन पहले हम लोग साफ करवाए हैं, पैसा देके करवाता है, बाकी नहीं हो रहा था। 3 साल पहले से बंद था तो बहुत ज्यादा हो गया था कचरा, तो इस समय हम लोग करवाए हैं अभी पैसा। किस तरह की समस्या हो रही थी गंदगी? वही मच्छर है, बदबू आ रही है। मध्य प्रदेश होशंगाबाद का एकमात्र हिल स्टेशन पर्यटकों के लिए रोमांच का केंद्र बन गया है। एक तो सर्दी का सितम हो और दूसरी तरफ अब पचमढ़ी में बर्फ जमने लगी है, जिसका पर्यटक भरपूर मजा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई सालों बाद जोरदार ठंड ने लोगों को हिला कर रख दिया है। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पर सर्दी का सितम हर रोज बढ़ रहा है। पचमढ़ी के मैदानी इलाकों में बर्फ जम चुकी है। पचमढ़ी का तापमान 2 डिग्री हो गया है। पचमढ़ी क्षेत्र की झीलों के किनारे बर्फ की चादर बिछ चुकी है। बर्फ लोगों के घरों में, खुले मैदानों में, पेड़ों पर, यहाँ तक कि गाड़ियों तक में बर्फ जम चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।